आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको दो दांतों के बीच में जो है गैप होता है, जो आगे के हमारे दांत होते हैं दो, उनके बीच में गैप होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत से लोगों को देखने को मिलती है। और इसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है, इसे कैसे ट्रीट करते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि दांतों के बीच में गैप है तो चलो भाई हम ब्रेसेस लगवा लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम इस कॉज को ट्रीट ना करें और ब्रेसेस लगवा लें, ब्रेसेस से फिर वापस जो है हमारे दांतों के बीच का गैप है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हम ब्रेसेस हटवा देंगे तो कुछ टाइम के बाद वापस फिर से वो गैप हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो में यही हम जानेंगे कि दो दांतों के बीच में गैप क्यों होता है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और ब्रेसेस अगर लगवाए हैं तो वो कैसे काम करते हैं और कब लगवाने चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। आपने देखा होगा अक्सर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आगे के दांतों के बीच में जो है गैप होता है, और इससे क्या होता है कि जब भी आप स्माइल करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो चला जाता है कि अरे हमें देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कराने में आपको शर्म सी महसूस होती है। तो डोंट वरी, ये क्यों होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो दो दांतों के बीच में गैप होता है ये क्यों होता है। सबसे पहले तो जो दो दांतों के बीच का गैप होता है उसे मिड लाइन डायस्टिमा कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है ये इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे जो दो दांतों जहां पर गैप है उसके ऊपर आप देखेंगे इस जगह पर यहाँ, तो कुछ इस तरह से जैसे पिक्चर में दिख रहा है, तो उसे जो है फ्रेनम कहते हैं। अगर फ्रेम की अटैचमेंट जो है, अगर हमारे नीचे दो दांतों के बीच की इस तरह से अगर अटैचमेंट होती है तो आप देखेंगे दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है, यानी कि ये टेंशन क्रिएट करता है ये फ्रेनम, और ये दो दांतों को अपोजिट साइड में खींचता है, तो इसी की वजह से जो है हमारे दांतों के बीच में गैप हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है, अगर सपोज कीजिए आपने ब्रेसेस लगवा लिए, ब्रेसेस लगवाने के बाद आपके दांत वापस उसी जगह पर आ गए, ठीक है, दो दांतों का बीच का गैप जो है वो ठीक हो गया, लेकिन जब आप ब्रेसेस निकलवा देंगे तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि फिर से वो दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है, क्योंकि ये जो फ्रेनम है, जो अटैचमेंट है, ये जो है फिर से टेंशन लगाता है, फिर से प्रेशर लगाता है और दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है। तो ये जो दो दांतों के बीच में जो अटैचमेंट है फ्रेनम की, इससे जो है सबसे पहले इस फ्रेनम को जो है कट करके रिड्यूस कर दिया जाता है, जहां एक्यूरेट जगह पर होता है उस जगह तक कट दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये एक छोटा सा माइनर सर्जरी टाइप प्रोसीजर होता है, कोई आपको पेन नहीं होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, डेंटल क्लिनिक में ईजिली हो जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब इसकी हीलिंग हो जाती है उसके बाद ब्रेसेस लगवाते हैं। तो इस ऐसे टाइम पे क्या होता है कि अब जब ब्रेसेस लगवाएंगे फ्रेनम अटैचमेंट को हटाने के बाद, तो फिर जो जो ब्रेसेस की वजह से जो दांत एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जो गैप है वो फिल हो जाएगा, वो वापस गैप नहीं होगा ब्रेसेस हटाने के बाद भी, क्योंकि जो इसका मेन कॉज था जिसकी वजह से, जो फ्रेनम अटैचमेंट की वजह से जो गैप हो रहा था, वो जो है प्रॉब्लम जो है उसका कॉज ठीक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको भाई ब्रेसेस नहीं लगवाने हैं और ये फ्रेनम के अटैचमेंट को भी नहीं हटवाना है, तो एक जो है एक सॉल्यूशन और है इसका, कि आप जो है दोनों दांतों के ऊपर जो है कैप लगवा सकते हैं कुछ इस तरह से, जिससे क्या है वो दो दांतों के बीच का गैप जो है फिल हो जाता है और आपको ब्रेसेस लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फ्रेनम के अटैचमेंट को हटवा दीजिए, उसके बाद ब्रेसेस लगवा के उसे क्लोज करवाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है दांत परमानेंटली उस जगह पर आ जाएंगे और आपको आपके दांतों को घिसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि जो कैप है उसके अंदर हम आपके जो आगे के दांत है उसको थोड़ा सा शेप दे करके उसके ऊपर कैप लगाते हैं। अगर आपको बहुत ही कम गैप है दो दांतों के बीच में तो आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं, आप जो है कैप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है तो आप ब्रेसेस ही लगवाइए, फ्रेनम की अटैचमेंट बड़ी हुई है तो फ्रेनम की अटैचमेंट को हटवाइए, ठीक है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट करवाइए। एक और सिंपल ट्रीटमेंट है, अगर आपके दो दांतों के बीच का गैप बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन गैप है,
तो ऐसे में आप जो है फिलिंग भी करवा सकते हैं, जिसे कॉम्पोजिट फिलिंग कहते हैं। 10 मिनट के अंदर आपके दांतों के बीच का गैप जो है वो फिल हो जाएगा, आपको दांतों को जो है घिसवाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कैप लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-15 मिनट के अंदर आपके जो दांतों के बीच में है फिलिंग हो जाएगी और ये जो दो दांतों के बीच का गैप है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है, कौन सा नहीं करवाना है। तो सबसे सिंपल यही है, अगर आपके दांतों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, आपके फ्रेनम की अटैचमेंट कुछ इस तरह से है, तो सबसे पहले आप फ्रेनम को जो है फ्रेनम की अटैचमेंट को हटवाइए, उसके बाद ब्रेसेस लगवाइए, ठीक है। उससे आपके दांतों के बीच का गैप जो है खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके दांतों का बीच का गैप जो है लगभग 1 mm जितना है, तो आप जो है आप चाहे तो कैप भी लगवा सकते हैं, अगर आप ऐसा जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करवाना चाहते, यानी कि फ्रेनम की अटैचमेंट आपकी ठीक है, सिर्फ दांतों के बीच का गैप है, तो फिर आप दो दांतों के ऊपर कैप लगवा करके उस गैप को जो है फिल करवा सकते हैं। अब थर्ड जो ट्रीटमेंट है, जिसे हम कॉम्पोजिट फिलिंग से करेंगे, उसमें क्या है कि आप का जो दांतों के बीच का गैप है वो बहुत कम होगा, लगभग 0.5 mm जितना, तो इस तरीके से होगा। तो ऐसे में आप जो है कॉम्पोजिट फिलिंग करवाइए और आपका 10-15 मिनट के अंदर आपके दांतों के बीच का गैप जो है फिल हो जाएगा। तो आई होप मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा ये जानने में कि आपके दांतों के बीच का गैप कितना है, तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और ये ब्रेसेस लगवाने के बाद वापस फिर से इसी तरह से क्यों हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।